ये खोपा गांव जो राजापुर थाने में है, यहाँ कल रात को कुछ लोग शराब पिए थे। ये जो शराब रात भर का ज़्यादा पीने का ये बात यहाँ गांव में हम लोग को बताया जा रहा है। तो ये अभी तक जो है कल एक का डेथ हुआ, आज सुबह एक का डेथ हो गया था। दो लोग का डेथ होने के बाद फिर हम बाकी जो चार जो गंभीर रूप से जो है वो बीमार पड़ गए थे उनको प्रयागराज हॉस्पिटल के लिए यहाँ से रवाना कर दिया। रास्ता में दो और लोगों का डेथ होने वाला बात हमारा साथ में जो दरोगा जा रहे हैं उनके द्वारा बताया गया है। तो अब तक जो है चार लोगों का डेथ हो चुका है और इसमें ग्राम प्रधान का जो है उसका भी बीमारी वाला बात पता चला। अभी उनको एम्बुलेंस में वो राजापुर हॉस्पिटल के लिए भेज दिया। तो ये बताया जा रहा है ये कुछ खुशी ब्रांड का जो है ये लोग मस्ती ब्रांड की ये लोग जो है वो शराब पीने के बाद पता चल रहा है। और ये गांव का जो सरकारी जो शराब की ठेके का दुकान है यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी में है। तो वहाँ से यहाँ एक इस गांव में एक आउटलेट भी है, उसी आउटलेट में बेचने वाला बात ये पता चल रहा है। यहीं से लेके लोग दारू पिए थे। तो अभी ये पूरा काम इनका जो कस्टडी में लिया जा रहा है और एक को यहाँ जो लोकल बेचा है उनको कस्टडी में ले लिया और जो बाकी जो शराब की ठेके का दुकान है वहाँ पर भी एसटीएम और सीओ साहब गए थे, दबिश दिए। तो कार्रवाई किया जा रहा है इसमें। तो इतनी सरकार ने कहा था कोई भी अवैध शराब नहीं बिकेगी लेकिन नहीं, ये जो बीट उपनिरीक्षक और बीट सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। अभी आगे जो है थानाध्यक्ष और बाकी लोग का कार्रवाई जो अभी चल रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये सरकारी ठेके से ही ले रही, यहाँ कहीं कोई कच्चा शराब बनाने वाला बात गांव में प्रकाश में नहीं आया। और यदि यह ठेके पर कहीं कुछ मिलावट कर रहा हो उस चीज़ का हम लोग चेक कर रहे हैं ताकि वहाँ जो मिलावट करने वालों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।